10th problem. Calculate the pressure exerted by 1 mole of CO2. 1 mole of CO2 at 273 Kelvin in a vessel of 22.4 liters. If van der Waals constant A is 3.592 decimeter to the power 6 atmosphere per mole square. Assuming the volume occupied by CO2 molecule to be negligible. Assumption दे रखा है of CO2 molecule is nearly zero. ये बात समझ जाइए कि जब A की वैल्यू दे दी, CO2 गैस स्पेसिफाई कर दी, इसका मतलब हम रियल गैस का एनालिसिस कर रहे हैं, हमें रियल गैस इक्वेशन अप्लाई करना होगा, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू 1 मोल दिया हुआ है, टेम्परेचर 273 केल्विन दिया हुआ है, वॉल्यूम 20.4 लीटर दिया हुआ है. This is number of moles, this is measured temperature, measured volume. अब measured pressure कितना होगा, ये गैस कितना pressure exert करेगी, कितना pressure measure हो पाएगा. Once again, here we need to recall and apply real gas equation or non-ideal gas equation or van der Waals gas equation. हमें वह equation apply करनी है. उस इक्वेशन को इसी समय हम लिख देते हैं P प्लस एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी. नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल रेगुलर यूनिट में दे रखा है, टेम्परेचर केल्विन रेगुलर यूनिट में दे रखा है, वॉल्यूम वी लीटर्स में, दैट इज ऑल्सो रेगुलर यूनिट. अब ये जो ए की वैल्यू दे रखी है 3.592 डेसीमीटर टू द पावर 6 एटमॉस्फेयर पर मोल स्क्वायर. मैं एक और बार रिकॉल करा दूं, डेसीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर. तो यह भी कोई इरेगुलर यूनिट नहीं है, यह भी रेगुलर यूनिट ही है. इधर किसी तरह से कोई यूनिट में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है. इसे हम 3.592 लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर पर मोल स्क्वायर करेंगे. सो दिस इज इन फैक्ट अ रेगुलर यूनिट. और इसके बाद ये एजम्पशन दे रखा है, द एजम्पशन CO2 molecule is 0. Volume of CO2 molecule 0. इसका मतलब जो B है, this B, ये जो volume correction है, it's due to the finite volume of gas molecule. Gas molecule का जो finite volume होता है, इसकी वजह से B की value finite होती है. मगर जैसा कि problem में दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल 0 एज्यूम कर लेना, ऐसा हमने दे रखा है. इसका मतलब हम यह एज्यूम कर लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए B की वैल्यू 0 है. दिस इज द assumption. का मतलब B की वैल्यू 0 एज्यूम कर लेना. अब मुझे प्रेशर डिटरमाइन करना है और N दिया हुआ है, एन की जगह 1 मोल दिया हुआ है। ए की वैल्यू भी दी हुई है, मैं यूनिट के साथ में सब्स्टिट्यूट करता हूं सो दैट आंसर मुझे परफेक्ट यूनिट में दिखने लगेगा। A is 3.592 लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर पर मोल स्क्वायर, n की जगह 1 मोल स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, v की जगह 22.4 लीटर स्क्वायर। इस तरह से मैंने यह सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। V के लिए 22.4 लीटर माइनस 0, n की जगह 1 मोल, r की जगह 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन, और टेम्परेचर की जगह 273 केल्विन। अब आप देखिए, यह लीटर स्क्वायर कैंसल्ड, यह मोल स्क्वायर कैंसल्ड, और इधर जो हमें दिख रहा है P प्लस 1 स्क्वायर इज 1, 3.592 अपॉन 22.4 एटमॉस्फेयर। और इधर हमें दिख रहा है 22.4 लीटर, इधर 1 मोल 0.0821 इंटू 273 लीटर एटमॉस्फेयर। यू कैन सॉल्व इट। अब आप इधर P के लिए सॉल्व कर दीजिए इस इक्वेशन को, लीटर लीटर गॉट कैंसल्ड। कहां पर स्क्वायर? हां, इधर स्क्वायर रहेगा बिल्कुल। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। P प्लस 3.592 अपॉन 22.4 इंटू 22.4 इक्वल टू 0.0821 इंटू 273 अपॉन 22.4 decimal atmosphere. If I write the final answer, that final answer would be P is equal to 0.0821 into 273 upon 22.4 minus 3.592 upon 22.4 square. This much atmosphere is the final answer. The problem is over the application of van der Waals equation. P plus n square a square into v minus nb equal to n r cube. This is van der Waals equation. Mic please बंद रखो. This van der Waals equation, इसमें इस assumption को समझना जो उन्हें स्टेटमेंट में बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है। Assume that volume occupied by CO2 molecule is negligible. Volume of CO2 molecule negligible, इसका मतलब है assume B equal to 0. तो इस बात को देखना कि यह जो एक ही वैल्यू दे रखी है, इसमें जो डेसीमीटर टू द पावर 6 दे रखा है ये कोई नई चीज नहीं है। डेसीमीटर क्यूब ही 1 लीटर होता है और डेसीमीटर टू द पावर 6 होएगा लीटर स्क्वायर इनटू एटमॉस्फेयर पर मोल स्क्वायर। एन दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, सिर्फ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि सारे यूनिट्स पूरी तरह से रेगुलर दे रखे हैं। इसलिए आप चाहे तो यूनिट को लिखें, चाहे तो नहीं लिखें, आपका आंसर रेगुलर यूनिट में ही आएगा अपने आप। आप जब यूनिट लिखेंगे तो सारे प्रॉपर्ली आपको कैंसिल होते हैं।